संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में राष्ट्रवादी प्रताप सेना और क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोगों ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया। इन लोगों ने नारेबाजी के बीच फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली तथा फिल्म में पद्मावती का अभिनय करने वाली हीरोइन दीपिका पादुकोण की पुतली फूंके। इस फिल्म की रिलीज न करने की मांग की। सेना पदाधिकारियों ने इस मौके पर ऐलान किया कि जो भी हीरोइन दीपिका पादुकोण की नाक काट कर लाएगा उसे वह 20 लाख रुपए का इनाम देंगे। उत्तर प्रदेश हाथरस से राजदीप तोमर की रिपोर्ट, समय नेशनल। रानी पद्मावती जिंदाबाद, रानी पद्मावती जिंदाबाद, रानी पद्मावती हमारे, हाण भंसाली मुर्दाबाद, 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 रानी पद्मावती हमारे, रानी पद्मावती हमारे, रानी पद्मावती हमारे, हिंदू एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, रानी पद्मावती हमारे, रानी पद्मावती हमारे। राष्ट्रवादी प्रताप सेना एवं क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ आने वाली फिल्म जो 1 तारीख को रिलीज होने वाली है, फिल्म पद्मावती के विरोध में समस्त क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज के लोगों ने हाण भंसाली एवं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का पुतला दहन किया है। और हम हाण भंसाली एवं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर ये 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होती है तो समस्त हिंदू समाज एवं समस्त क्षत्रिय समाज एकजुट होकर पूरे सिनेमाघरों में आगजनी तोड़फोड़ सब कुछ करने पर बाध्य होगा, जिसका स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा। और साथ ही मैं एक चेतावनी और देता हूँ, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की जो नाक काट कर लाएगा उसको राष्ट्रवादी प्रताप सेना क्षत्रिय महासभा सादाबाद 22 चौहानों की 20 लाख रुपए का इनाम देगी। हमारे।